उत्तराखंड में आज कोरोना के 51 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 205 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 0, बागेश्वर में 3, चमोली में 1, चंपावत में 2, देहरादून में 15, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 11, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 0, टिहरी में 0, उधम सिंह नगर में 2, उत्तरकाशी में 7 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा बढ़कर के 7,341 हो गया है, जबकि कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,41,230 हो गया। इसमें से 932 केस एक्टिव हैं। वहीं प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 526 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, ये मंडी में कर्मचारी से 11 लाख रुपए की लूट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। तो रुद्रपुर से खबर है, गल्ला मंडी में दोपहर करीब 2:15 बजे एक कंपनी के कर्मचारी से 11 लाख रुपए लूट लिए गए। व्यापारियों से वसूली करने के बाद यह कर्मचारी मोटरसाइकिल से लौट रहा था, तभी गल्ला मंडी मिराज होटल के पास इसे 2 बाइक बदमाशों ने ओवरटेक करके रोक लिया और उसकी बाइक को गिराने के बाद नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वही खबर है, सोमेश्वर से मलबे की वजह से 5 घंटे बंद रहा कोसानी ग्वालदम हाईवे। तो सोमवार को मौसम के तेवर उत्तराखंड पर भारी पड़ रहे हैं। आसमान से बरसी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हुआ। सोमेश्वर में कोसानी ग्वालदम हाईवे भी मलबा आने की वजह से करीब 5 घंटे तक बंद रहा। 12 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों का पिथौरागढ़ विकास भवन पर प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ के विकास भवन में जिले भर के ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों ने शासन प्रशासन से 12 मांगे पूरी करने की मांग की है। वहीं खबर है, इमरान हत्याकांड में एक गिरफ्तार मोबाइल चोरी के आरोप में उतारा था मौत के घाट। तो रुद्रपुर में मोबाइल और पैसे चोरी के आरोप में ट्रक चालक ने इमरान की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी यशपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाला, तो 14 और मुन्ना भाई शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 80 हो चुके हैं बुक। तो उत्तराखंड के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में 14 और आरोपी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक 80 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। दुष्कर्म के आरोपी MLA राठौर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, सरकार से मांगा जवाब। तो दुष्कर्म मामले में बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को नैनीताल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, उच्च न्यायालय ने सरकार से भी जवाब मांगा है। उत्तराखंड में बड़ी बॉलीवुड की चहलकदमी, दून में फिल्म ऑफसेस की शूटिंग शुरू। तो प्रदेश में COVID-19 की रफ्तार कम होने के साथ ही एक बार फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। देहरादून में बॉलीवुड सेशन फिल्म ऑफसेस की शूटिंग की जा रही है। फिल्म के डायरेक्टर सेन वॉरियर्स हैं। भारी बारिश से पूर्णागिरी इलाके में रेड अलर्ट, श्रद्धालुओं को लौटाया गया। तो चंपावत जनपद में भी भारी बारिश का कहर जारी है। टनकपुर क्षेत्र के सभी बरसाती नाले उफान पर हैं, इसी कारण यहां मार्ग जगह जगह बाधित हो गए हैं। पूर्णागिरी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को प्रशासन ने लौटा दिया है।